हेलो स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पर इम्पोर्टेंस ये रहे ओसीएम के। तो आपकी फरमाइश थी कि सर ओसीएम की इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो हमारे पास में ओसी और ओसी की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आगे चल के और हम इम्पोर्टेंस दे देंगे। तो देखो जरा हमने क्या किया है, हमने चैप्टर 1 से लेके तो चैप्टर 8 तक सारे के सारे इम्पोर्टेंस मैंने आपको खोज के निकाले है, और उसके मुझे एक्सपेक्टेड वेट मतलब मुझे एक्सपेक्टेड मार्क्स इतने आए गए एग्जाम्स के अंदर, वही मैंने दिया है। वैसे क्वेश्चन बैंक भी आने हैं, तो क्वेश्चन बैंक के और मेरी लास्ट में जो भी और भी मुझे लगता है कि जो जो स्टडीज होंगी तो उसके हिसाब से मैं एडिशन कर जाऊंगा या डिलीशन कर जाऊंगा इस वाले इंपॉर्टेंस के अंदर। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा की तरह, और उसके भाई चैप्टर नंबर 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये दो चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखते। तो आप देखोगे तक करीब करीब 27 मार्क्स का भी वेटेज रखते टोटलिटी के अंदर। तो इसमें जो चैप्टर 1 है, इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, जिसका मिमोनिक्स मैंने आपको बताया था। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फिर वो अपने हेनरी फोरर का 14 प्रिंसिपल है। ये चैप्टर 1 जो है 5 से 12 मार्क्स ले आ सकता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर तो फंक्शन तो वही है, अपनी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है ना। तो वही सारे के सारे फंक्शन इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए, वो 12 से लेकर 15 मार्क्स। यहाँ पर जो डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आएगा इसका, आपको तो पता है कि ये सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसी के अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कवर किया मैंने। ठीक है, वरना आप बोलेंगे सर या तो क्वेश्चन पे आपने क्वेश्चन क्रिएट किया है लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव्स कहाँ पे, इसके इसके शॉर्ट नोट्स कहाँ पर है, तो बच्चों इसी के अंदर कवर किया मैंने। ठीक है, तो अगला चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर, तो ये एंटरप्रेन्योर क्या है, फिर ईडीपी क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है, फिर बिजनेस सर्विसेज जो है वो तकरीबन 7 से 10 मार्क के लिए आ जाएगा, फिर बैंक क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक क्या है, वेयरहाउस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, इंश्योरेंस क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, अच्छा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस क्या है, और कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक और उसके टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, ये करीब करीब आपको 7 से 10 मार्क के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला चैप्टर आता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस, बिजनेस करने के। पर बच्चों ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस दिया है एज पर रिड्यूस सिलेबस 2020 बन गया। ठीक है, तो ये ई बिजनेस क्या है, आपका फिर ट्रेडिशनल बिजनेस से आप डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ सकता है इसके ऊपर कि ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंसिएशन है, ई कॉमर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, और बीपीओ, केपीओ और एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये भी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस। इसमें तो हर बार क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ ई बिजनेस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है आउटसोर्सिंग का, या क्वेश्चन एक भी आ सकता है शॉर्ट नोट्स के अंदर व्हाट इज आउटसोर्सिंग, ये करीब करीब 7 से 10 मार्क लिया जाएगा। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 7 से 10 मार्क लिया आएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉई है, इन्वेस्टर्स है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, फिर सीएसआर एक्टिविटी के ऊपर बता बोलेगा, फिर आपके कंसेप्ट बोलेगा, फिर नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये 7 से 10 मार्क लिया। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर वो पूछेगा व्हाट इज कंज्यूमर, उसके राइट्स क्या है, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, स्टेट कमीशन क्या है, और अपनी नेशनल कमीशन क्या है, ये 10 से 15 मार्क के। बच्चों ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब इसको स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, और ये मार्केटिंग जो है, क्योंकि इस साल ये नया चैप्टर एडिशन हुआ मार्केटिंग का, मेरे हिसाब से 10 से 15 मार्क आएगा, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि वो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग फंक्शन कैसे करता है, फिर इसके इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल लगता है कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है और फंक्शन मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले, जो सबसे ज्यादा वेटेज एग्जाम से रखने वाले। ठीक है, मार्केटिंग जो है वो नया चैप्टर है, तो हो सकता है इसमें कम भी आ जाए, ज्यादा भी आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस बड़ा सिंपल चैप्टर है, तो आप ये करके आओगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जैसे आएगी, क्योंकि अब तक क्वेश्चन बैंक नहीं, क्वेश्चन बैंक आ गए तो हम लोग उसके हिसाब से इसमें एडिशन डिलीशन करेंगे। ठीक है, आप इसके हिसाब से डिस्टिंग्विश बिटवीन और बाकी सारी तैयारी कर लेना। आपको कोई डाउट है तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मुझे डाउट है तो आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हो। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी ओसीएम ओसीएम का जैसे मैंने दे दिया कि एसपी है, और बाकी सारे सब्जेक्ट का भी अगर आपको इंपॉर्टेंट चाहिए तो बने रहिए, हम लोग कंटिन्यू करते आगे के लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।